हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। क्या हाल चाल हैं आपके? इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं, डस पाकिस्तान रियली कंट्रोल दी अफगान तालिबान। इसके बारे में देखेंगे अफगान तालिबान। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए, स्टार्ट दी वीडियो नाउ। नजरीन, पूरी दुनिया खासकर अमेरिका और भारत इस बात का दावा करते हैं कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को न सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि हर महाज पर इनकी मदद भी करता है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अफगान तालिबान को लीड करती है? आखिर क्या वजह है कि जिन लोगों ने अमरीका समेत 32 ममालिक को इबरतनाक शिकस्त दी वही लोग पाकिस्तान के मातहत काम करते हैं? इसके अलावा 75% अफगानी पाकिस्तान पर यह भी इल्जाम लगाते हैं और इसलिए पाकिस्तान के दुश्मन है कि पाकिस्तान ने पिछले 40 सालों से अफगान तालिबान को सपोर्ट करके अफगानिस्तान को 500 साल पीछे धकेल दिया। साथ में ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान जैसे चाहता है तालिबान वैसा ही करते हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान पिछले कई दिहाइयों से जंगो जदल और तबाह हाली का शिकार है। क्या वाकई पाकिस्तान इस कदर ताकतवर है कि वो अफगान तालिबान जैसे जंगजो और सर फेरे लोगों को अपना मातहत बना सकता है? क्या पाकिस्तान के मातहत काम करना अफगान तालिबान की मजबूरी है? ये सब और बहुत कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और कम से कम 20 घंटे लगते हैं, जबकि आपकी सपोर्ट हमें अगली वीडियो बनाने के लिए एनर्जी फराहम करती है। नजरीन, पाकिस्तान अफगान तालिबान को कंट्रोल करता है ये कहना बहुत आसान है, मगर इसकी हकीकत को समझने के लिए लगभग 40 साल पीछे जाना होगा, जब USSR पागल कुत्ते की तरह आंखों में आग के शोले लिए अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। नजरीन, उस वक्त USSR अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के मुकाबले में हाथी के बराबर था, जबकि किसी भी मुल्क के लिए सोवियत यूनियन के साथ उलझना यकीनी मौत था। मगर दूसरी तरफ सोवियत यूनियन जैसे ताकतवर रीच को रोकना भी जरूरी था। नजरीन, इस जंग में चार ममालिक ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। सबसे पहले अफगानिस्तान, जहाँ ये जंग हो रही थी, जबकि अफगानिस्तान के लिए ये जंग लड़ना मजबूरी थी। इसके अलावा ये जंग पाकिस्तान के लिए लड़ना भी इंतहाई जरूरी था। अगर पाकिस्तान इस जंग में शामिल ना होता तो USSR का अगला हदफ पाकिस्तान था। इसलिए पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन को खुली सपोर्ट फराहम की, लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अमेरिका था, जो किसी भी सूरत सुपर पावर के तख्त पर बैठना चाहता था। इस मकसद के लिए अमेरिका ने रूस के खिलाफ मुजाहिदीन को अरबों डॉलर्स का असलहा फराहम किया। CIA के अहलकारों ने अफगान मुजाहिदीन को न सिर्फ ट्रेनिंग दी बल्कि अलकायदा जैसे तंजीम की बुनियाद भी अमरीका ने रखी, और बिलाखिर 14 साल के दौरानिए में सोवियत यूनियन टुकड़ों में तकसीम हुआ। नजरीन, अफगान जिहाद दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए एक दिफाई जंग थी, जबकि अमेरिका सुपर पावर बनने के लिए यह जंग लड़ रहा था। इस जंग में सऊदी अरब ने मुजाहिदीन को खुलकर सपोर्ट फराहम की। सऊदी अरब को सोवियत यूनियन से बज़ाहिर कोई खतरा तो नहीं था, मगर एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते सऊदी अरब भी खुफिया तौर पर इस जंग में कूद गया। अब इस जंग में एक तरफ USSR और दूसरी तरफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमरीका और सऊदी अरब थे। नजरीन, अब आपके समझ में ये बात आई होगी कि दरअसल जो इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है इसका हकदार अमेरिका खुद है। अमेरिका ही गॉड फादर अब तालिबान है। अमेरिका ने ही तालिबान की बुनियाद रखकर अपने मकासद हासिल किए और खुद सुपर पावर के तख्त पर बैठकर तानाशाही की मजे लूटता रहा। रूस के शिकस्त के बाद अफगान मुजाहिदीन आपस में लड़ने लगे, जबकि पाकिस्तान ने तालिबानों और मुखालिफ गिरोह शमाल इतिहाद के दरमियान सुलह कायम की। नजरीन, जो लोग ये कहते हैं कि अफगान तालिबान पाकिस्तान या ISI के मातहत है तो ये बात सरासर झूठ है। अफगान तालिबान बज़ाती खुद अपने आप को सुपर पावर समझते हैं और समझने के काबिल भी है, क्योंकि जिस तरह पिछले 20 सालों के दरमियान उन्होंने अमेरिका और इसके हवारियों का हशर किया वो दुनिया के सामने है। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हर लिहाज से सपोर्ट किया, अफगान मुजाहिदीन की मदद की, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को कंट्रोल करता है। अगर ऐसा होता तो आज अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर आए रोज हमले ना होते। इसके अलावा डिवरेंट लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक संगीन मसला बनता जा रहा है, अफगानिस्तान इस बैनुल अक्वामी सरहद को तस्लीम ही नहीं करता और अब अफगान तालिबान भी इस बॉर्डर को तस्लीम करने से इनकारी है। पाकिस्तान का अफगान तालिबान को रूस और अमेरिका के खिलाफ सपोर्ट करना अलग है, मगर अफगान तालिबान आज तक किसी के मातहत नहीं बने। लिहाजा जो अफगानी और कुछ ममालिक पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगाते हैं वो सरासर झूठ और पाकिस्तान के साथ ज्यादती हैं। हालांकि ये लोग कभी नहीं कहते और ना ही कहने की जुर्रत कर सकते हैं कि जो तालिबान रूस के खिलाफ लड़ रहे थे इन्हें अमरीका जिहादी और मुजाहिदीन कहता था, जबकि आज वही मुजाहिदीन इनके लिए दहशतगर्द बन गए। ये भी हम मानते हैं कि पाकिस्तान ने अफगान जंग में अमरीका को अड्डे फराहम किए, मगर इसका खमियाजा पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ा। अमेरिका की इस जंग में 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, 430 ड्रोन हमलों में ज्यादातर आम शहरी निशाना बने, जबकि अरबों डॉलर्स का नुकसान अलग हुआ।
नजरीन, इससे पहले पाकिस्तान पर यह भी इल्जाम लगाया जाता रहा कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में मुकीम है, मगर डच सहाफी बेटे डैम की किताब ने उस वक्त तहलका मचाया जब इसने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में मुकीम थे। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान के साथ बराबरी के ताल्लुकात चाहता है, न कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की। ऑलराइट गाइस, तो ये था अफगान तालिबान को कंट्रोल पाकिस्तान करता है या नहीं। एक्चुअली इन्होंने जैसा बताया उसके हिसाब से तो लगता है कि नहीं करता होगा, मतलब नहीं करता है ऐसा लगता है सुनने के बाद, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई भी मुल्क किसी को इतने तगड़े तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, जबकि आजकल हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान को दुश्मन मानता है। दूसरी ताकतें थीं, उन्होंने लड़ाकर पाकिस्तान से दूसरी चीज़ों को अलग करने की शायद कोशिश की गई थी कि तालिबान अफगानिस्तान इन लोगों को आपस में मिलकर कुछ ना करें। सारे मुल्क ऐसे थे जो नहीं कूदना चाहते थे लड़ाई में, जैसे सऊदी फिर भी कूदा, पाकिस्तान की वजह से नहीं लेकिन दूसरी चीज़ों की वजह से। आप कह सकते हैं अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे है, हुआ है, वहाँ पर ऐसे हालात बन गए कि कोई भी आकर वहाँ पर एरा गहरा जाकर वहाँ पर धमाके उमाके कर सकता है, और वो कहीं भी जाकर मतलब यही कुछ चलता आ रहा है बहुत सालों से। तो तरक्की कैसे होगी? तरक्की इन चीज़ों से नहीं होती है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और डिटेल्स हैं आपके पास तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।